फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बात करने वाले हैं आईटी अप्रेंटिसशिप के बारे में। ये जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम है राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। एक टाइप का कॉलेज यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। बार कवर में वैकेंसी आती है तो आपको वेटेज मिल सकता है और ये बहुत अच्छा है। सीखने के पर्पज़ से आप यहाँ बहुत चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में ये www.rcat.gov.in ये डालेंगे तो इसके बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ट्रेड अप्रेंटिसशिप स्कीम, करेंट ओपनिंग है एटॉमिक एनर्जी जो भी है, इस पर हम करेंट जो अप्रेंटिसशिप के ट्रेड अप्रेंटिसशिप के बारे में यहाँ दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल गया। और इसमें देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी रूपांतरण पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं तो इसको हम लोग डाउनलोड कर। तो चलिए ये विज्ञापन डाउनलोड हो चुका है, तो आप देख रहे होंगे भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग राजा रमना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास है जहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए बुलाया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या की बात करें तो 40 सीट है, यहाँ पर देख रहा है 40 सीट है। आप यहाँ से 40 सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो डेट दे रखा है डेट बता दें तो आपको 31 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक इसमें अप्लाई करना होगा। अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो वाइस में एज की बात करें तो एज आपका 18 से लेकर 22 साल के बीच होना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा होगा 18 से 22 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप यहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड्स की बात करें तो आपको मिनिमम 6-7 हज़ार के आसपास मिल रहेगा और मैक्सिमम 9 से 10 हज़ार तक रुपए मिल सकते हैं। इसमें क्लियर नहीं लिखा है लेकिन लगभग इतना ही होता है। इस पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको पता होगा एनसीपी जो पोर्टल है आईटीआई का www.apprenticeship.gov.in पे जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर सीटों की संख्या की बात करें तो फिटर के लिए यहाँ पर 10 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 2 है, टर्नर के लिए 2 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 2 है, वेल्डर के लिए 2 है, प्रशीतन एंड एयर कंडीशन आरएससी के लिए 2 है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए 10 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 है, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 2 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग कोपा के लिए 2 है, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए 2 है। कुल 40 पोस्ट है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे सीधे सीधे। तो अप्रेंटिसशिप करना इसलिए अनिवार्य हो गया कि आजकल अप्रेंटिसशिप पे बहुत सारे वैकेंसी आ रही है जिसमें अप्रेंटिसशिप खोज रहा है, तो आप करके अगर बैठे हैं फ्री हैं तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। मेरे अनुसार आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो आपको ये जो वेबसाइट है apprenticeship.gov.in इस पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के लिए 10वीं क्लास का मार्कशीट और ITI का मार्कशीट, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है कि आवेदन केवल आरकेट प्रशिक्षित पोर्टल के माध्यम के ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, उसी पोर्टल से आप लोग ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन इसमें किसी प्रकार कोई चीज़ नहीं भेजना है और नहीं करना है। और आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे 300 किलोबाइट KV का आपको PDF या JPG फॉर्मेट में ये सब चीज़ आपको रेडी रखना है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, इसमें आप 10वीं क्लास का मार्कशीट भी लगा सकते हैं। इसमें 10वीं कक्षा बोर्ड की अंक सूची, ITI का अंक सूची, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार, रंगीन फ़ोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, अगर ये जाति और विकलांगता अगर आरक्षण चाहिए तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इत्यादि आपको उसमें अपलोड करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थी जो 2017 या उसके बाद ITI उत्तीर्ण होने चाहिए, 2017 के बाद वाले जितने भी हैं वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, 2016 या उससे पहले वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आपको उसमें आपको बुलाया जाएगा, तो 2017-16 से पहले वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। और इसमें आपका 50% मार्क्स अवश्य प्राप्त होना चाहिए, आपकी 10वीं क्लास में 50% से मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
तो इस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए आज के लिए इतना था, आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर सारा डिटेल्स आप समझ सकते हैं, हिंदी में आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।